इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये रेट ऑफ चेंज वाला एप्लीकेशन डिस्कस किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का। इसके अंदर हम लोग एक सिस्टम के अंदर एरर एनालिसिस कैसे करना होगा वो डिस्कस करेंगे। ये भी जेई हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, ऑलमोस्ट ना के बराबर आए हुए हैं, पर इन जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है इसका। कोई सिस्टम या मशीन आप बनाते हो तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम परफेक्ट होती है हर चीज, सब में कुछ ना कुछ एरर होती है, मतलब सब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा सा कुछ तो अनएक्सपेक्टेड काम करते हैं बेसिकली ऐसे। तो उस चीज को आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बताना होता है कि ये जो सिस्टम है, ये जो मशीन है, इसमें इनपुट में इतनी एरर होगी तो आउटपुट में इतनी एरर हो जाएगी, इसी चीज को एरर एनालिसिस बोलते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा। सिस्टम या मशीन को फिलहाल मैं फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मान लो आपके पास एक फंक्शन है, आइडियल मैथमेटिकल केस में मान लो इस फंक्शन का इनपुट एक्स है और आउटपुट वाई है, ये आइडियल सिचुएशन है। लाइक से एफ एक्स आप एक्स स्क्वायर बनाना चाहते हो तो मैथमेटिकली टू इनपुट पे फोर आउटपुट आना चाहिए। तो अभी तक आप मैथमेटिकली देख रहे हो, पर यही काम आपको मतलब मशीन से करवाना हो, मान लो कोई ऐसी मशीन बना रहे हो जो किसी का स्क्वायर कर रही है, तो उसमें वो जरूरी नहीं है ना एकदम आपके जैसे कैलकुलेशन करे एकदम परफेक्ट, उससे थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी उससे बेसिकली ऐसे। तो उसी को अब हम यहाँ देखने वाले। तो ये आइडियल सिचुएशन थी, और ये अभी हम रियल सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें इधर कुछ एरर रहेगी। अगर यहाँ पर एरर होगी तो इनपुट जो है वो x प्लस डेल्टा x होगा। तो इसमें ये जो डेल्टा x है, दिस इज हेयर कॉल्ड एरर इन इनपुट। तो मान लो इनपुट में जो एरर है वो डेल्टा x है, तो एक्चुअल पूरा इनपुट होगा फिर x प्लस डेल्टा x, और इस इनपुट की एरर की वजह से और कुछ खुद इस सिस्टम की एरर की वजह से फाइनली एरर मान लो आउटपुट में जो है वो डेल्टा वाई का है, तो आउटपुट जो है वो वाई प्लस डेल्टा वाई निकल के आएगा, और यहाँ पर ये जो डेल्टा वाई है वो एरर इन आउटपुट है। सो अभी हम इस आउटपुट के एरर को इनपुट के एरर के टर्म्स में निकालेंगे, उसी फॉर्मूले को इधर एरर एनालिसिस का फॉर्मूला बोलते हैं। सो लेट्स सी कैसे आएगा। ये जो y प्लस डेल्टा y है इसे आप लिख सकते हो f ऑफ इनपुट जो कि x प्लस डेल्टा x है अभी। सो आप डेल्टा y में इंटरेस्टेड हो तो ये होगा f of x plus delta x minus y, और y है आपका fx। We will get this one। अब कहने दो हम डेरिवेटिव जानते हैं और ये चीज आपको थोड़ा डेरिवेटिव से क्लोजली रिलेटेड देखनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इसे डेल्टा x से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं अब लिमिट के बेसिक्स लगेंगे। अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जनरली देखो इनपुट में कुछ एरर हो रही है तो वो छोटी ही एरर होगी, तो ये एरर अगर छोटी है तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि छोटे बोले तो जीरो के क्लोज है। अब लिमिट में आप जानते हो अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होता तो ये चीज क्या होती, ये एफ डैश एक्स होती, पर अभी कह रहे वो टेंड नहीं कर रहा है, अभी वो बस कुछ छोटा सा नंबर है। जब छोटा सा नंबर है तो हम एक बात बोल सकते हैं, लिमिट के बेसिक सर यहाँ लिमिट के फंडामेंटल बेसिक लग रहे हैं एक्चुअली। तो ये जो चीज है एफ डैश एक्स तो नहीं होगी पर एफ डैश एक्स के क्लोज होगी, क्योंकि डेल्टा एक्स खुद जीरो के क्लोज है। अगर वो और क्लोज जा रहा होता तो फिर ये एफ डैश एक्स के क्लोज जा रहा होता, पर वो क्लोज जा नहीं रहा, बस कुछ तो वैल्यू ले रहा होगा जो छोटा सा कुछ तो है, हेंस ये एफ डैश एक्स के क्लोज होगा। तो अब मैं यहाँ पर इस क्लोज की वजह से अप्रोक्सीमेट साइन यूज कर रहा हूँ, तो ये चीज होगी एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो जो डेल्टा वाई है वो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा।
आउटपुट का एरर इनपुट के एरर के टर्म में आ चुका है तो अपने पास, पर एक्चुअली इससे भी ज्यादा अच्छा होगा परसेंटेज एरर, परसेंट के टर्म में थोड़ा सबको समझ में आता है कम या ज्यादा क्या है, तो इसलिए अब हम यहाँ थोड़ा हल्का सा चेंज और कर रहे हैं इसके अंदर परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसे मैं वाई से डिवाइड करूंगा, उसे एक्स से, और ऐसे डिवाइड करूंगा कि कुछ चेंज ना हो, तो काउंटर इफेक्ट भी रखूंगा। तो इसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डेल्टा वाई अपॉन वाई इज अप्रोक्सीमेटली एफ डैश एक्स अपॉन वाई, इधर वाई से डिवाइड किया था उधर भी कर रहा हूँ इसलिए, और इसे डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड करने वाला हूँ। अब डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये जो फॉर्मूला है इसी को एरर एनालिसिस का फॉर्मूला बोलते हैं, जिसे आप चाहो तो वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हो कि परसेंटेज एरर इन आउटपुट, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज परसेंटेज एरर इन आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम एट दैट मोमेंट अपॉन आउटपुट एट दैट मोमेंट इनटू इनपुट एट दैट मोमेंट इनटू परसेंटेज एरर इन द इनपुट। तो ये एरर एनालिसिस का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी सिस्टम के अंदर अप्रोक्सीमेट आउटपुट का एरर हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ये सेकंड एप्लीकेशन यहाँ खत्म हो जाता है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, सिंस ये जेई में जनरली पूछा भी नहीं जाता, तो आगे इसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं कराने वाला इसके ऊपर, क्योंकि ये कुछ खास काम का है नहीं। सो लेट्स सी, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बस वो देख लेते हैं। कोई सिस्टम है, मशीन सिस्टम फंक्शन जो x पावर 5 है, इस सिस्टम में x इक्वल टू 2 मोमेंट पर इनपुट में एरर जो है वो 3% है। तो इनपुट में एरर अगर 3% हो तो उसी मोमेंट पे आउटपुट में क्या एरर होगी ये आपको बताना है। तो एक्चुअली कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगा था वो वाला, तो फॉर्मूला आप लगाओगे तो परसेंटेज एरर आउटपुट आपको अभी क्या बोला, इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स था, तो एफ डैश एक्स कितना होगा 5 इंटू एक्स रेस टू 4, जिस मोमेंट पे आप लगा रहे हो उस मोमेंट पे एक्स 2 है, तो ये होगा 2 रेस टू 4 इंटू एक्स था तो एक्स अभी 2 है तो 2 अपॉन वाई, वाई कितना होगा अभी आउटपुट जो कि 2 रेस टू 5 होगा इनटू परसेंटेज एरर इन इनपुट। सो दैट्स इट, बाकी कैलकुलेशंस तो आप कर ही सकते हो कितना आ जाएगा। तो इनपुट में एरर अगर 3% की हो सिस्टम के अंदर, तो आउटपुट के अंदर 15% की एरर होगी। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें एक छोटा एक अच्छा पॉइंट है जो आगे इंजीनियरिंग में काफी काम में आता है। अब यह नोट कर सकते हो इनपुट में छोटी सी एरर आउटपुट की काफी बड़ी एरर बन चुकी है, वहां 3% या 15% तो काफी बड़ा हो गया। तो कैसे ये जिस टाइप का फंक्शन है x रेज़ टू 5 ऐसा है, तो इस टाइप का सिस्टम आप कभी डिजाइन नहीं करोगे, क्योंकि उसमें हल्का सा भी एरर बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होके आएगा। तो हम फंक्शंस को ज्यादातर को ऐसे डिजाइन करते हैं, मतलब उनका रेस्पॉन्स फंक्शन इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का बोले तो रूट एक्स जैसा, ln x जैसा, इन सबसे अच्छा tan इनवर्स x टाइप का शेप, क्योंकि उसमें क्या है आउटपुट इनपुट में आप बड़ी एरर भी करोगे
तो भी आउटपुट में ना वो एरर दब जाती है, बहुत कम होती है बेसिकली ऐसा है, मतलब आपको शायद फील भी ना हो कि अच्छा कुछ एरर हुई है ऐसा। सो उसे स्टेबिलिटी का काम बोलते हैं, जो आगे इंजीनियरिंग में काफी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फिलहाल जेई में तो खैर कुछ खास काम का है नहीं। सो दैट्स इट, ये दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाकी आगे के एप्लीकेशन हम अगले वीडियोज में लेंगे। थैंक यू।